एक बार आप दिखाएंगे जरा अपने पैर को, आप दिखाएंगे जी, कि जी, जी. किस सिचुएशन में आप चलते कैसे होंगे, इसको एक बार दिखाइए थोड़ा, चलते कैसे हैं आप? चलने की बाब वही जिंदगी है, कष्ट है तो फिर तो झेलना ही पड़ेगा, भगवान जब भेजे हैं तो ये बचपन से ही है जी, बचपन से ही है। तो आपको चलने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होती है, कहीं भी आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी आपको जी। अंगना दुआर सगरी, अंगना दुआर सगरी, हरे मोहलाय टरिया, तोरा बिना निक नहीं लागे रे सवरिया। जी, जिंदगी में जब से पैदा हुआ हूँ तब से कष्ट ही कष्ट है, दर्द ही दर्द मिला है, कभी सुख का सामना ही नहीं हुआ। समय से पहले हो, समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर दिल से किसी को मानता हूँ तो पवन भैया है, उनको मैं दिल से गुरु भी मानता हूँ। गजब गजब के लोग बजग में स्वारत भइल समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हो। मुहब्बत कर गई अखिया, ना धड़कन के खबर लागल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, हालांकि ये दिव्यांग हैं, जैसा कि मैं चाहूंगा, जो मेरे कैमरामैन सहयोगी हैं। इनका पैर थोड़ा सा बचपन में खराब हो गया था, मैं चाहूंगा थोड़ा दिखाने के लिए, इनका पैर देख सकते हैं, एक पैर देखा जाए तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन इनकी आवाज में वो कशिश है, वो जादू है, जिसे आप एक बार सुनेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं एवी प्रोडक्शन हाउस में, और ये सिंगर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले भैया का स्वागत करेंगे और स्वागत के साथ साथ इनसे कुछ गाने भी सुनेंगे। स्वागत है भैया आपका। जी नमस्कार, जो भी देख रहे हैं हमको इस चर्चा न्यूज से, आप सभी भाइयों को, सभी दर्शक लोगों को दिल से नमस्कार। हर हर महादेव, जय महादेव। आगे हम चर्चा को बढ़ाएं, उससे पहले मैंने आपकी इतनी तारीफ कर दी, लोग सोच रहे होंगे कि क्या ही हैं आप जी। तो एक गाना हो जाए, उसके बाद फिर हम आपके और आपसे जीवन से जुड़ी हुई चीजों पे दर्शकों के सामने डिस्कस करेंगे, कोई एक आध गाना। गजब गजब के लोग बजग में स्वारत भइल समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ई दुनिया में आज हो। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर हो, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, साथ छोड़ देला। आपकी आवाज में दर्द समझ में आ रहा है। आपके लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो शायद अगर आप जवाब देना चाहें तो दें, चाहे ना दें। आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा बहुत मिला है अपने जीवन में, क्या ऐसा है क्या? जी, जिंदगी में जब से पैदा हुआ हूँ तब से कष्ट ही कष्ट है, दर्द ही दर्द मिला है, कभी सुख का सामना ही नहीं हुआ, इसलिए मैं सैड सॉन्ग, दर्द सॉन्ग, लोकगीत, माई बाप, दुनिया में जो भी घटना घटते हैं ना,
वो सीधे यहाँ लगता है, तो इसलिए मुझे दर्द ही दर्द बहुत पसंद है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अगर इस गायकी में अगर पसंद करता हूँ तो सैड सॉन्ग, दर्द भरी सॉन्ग, गजल, ये सब चीज़ जो भी हैं जिसमें दर्द हैं। अच्छा, आपको देख के लगता है, आपकी आवाज़ को सुन के लगता है कि आप देख के गाने वाले सिंगर नहीं है, आप सीख के गाने वाले सिंगर है, तो क्या कहीं म्यूजिक वगैरह भी आपने सीखा है? जी, मतलब म्यूजिक का तो क्लास नहीं किए, लेकिन हाँ, हमारे गुरुदेव हैं जो कि विश्वामित्र जी हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं, और उन्होंने मुझे म्यूजिक के बारे में, इस लाइन के बारे में जो भी है, मैं उन्हीं से सपोर्ट लेता हूँ। और उत्तम भैया हैं, उत्तम भैया से भी लेते हैं सपोर्ट, राहुल राज जी हैं, ये सारे मतलब हमसे जो भी हैं सब लोग श्रेष्ठ हैं और हमारे गुरुदेव ही हैं, तो इन लोग से ही इस लाइन के बारे में मुझे नॉलेज मिला। लेकिन हाँ, रह गई गायकी की बात, तो गायकी मैं बचपन से करता हूँ। हाँ, ये जो पैर आपका है, ये पैर जन्मजात ही है, जब आप पैदा हुए तब से ऐसा है, या फिर इसके बाद जब थोड़ा बड़े हुए तब हुआ, ये कैसे हुआ, मामला क्या हो जा रहा है, बताइए। जैसे मतलब जो मेरा पैर था ना, ऐसे था, पैदा हुए थे तो ऐसे था। एक बार आप दिखाएंगे जरा अपने पैर को, आप दिखाएंगे कि किस सिचुएशन में आप चलते कैसे होंगे, इसको एक बार दिखाइए, थोड़ा चलते कैसे हैं आपके? चलने की बाब वही जिंदगी है, कष्ट है तो फिर तो झेलना ही पड़ेगा, भगवान जब भेजे हैं। तो ये बचपन से ही है? जी, बचपन से ही है। तो आपको चलने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है? बहुत कष्ट होती है, कहीं भी आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी आपको? जी हाँ, लाठी का सहारा लेना पड़ता है, लाठी से चलते हैं। तो आप जब बाहर चलते होंगे तो लाठी लेना पड़ता है? जी जी जी। तो इससे आपके जीवन में काफी कष्ट आए होंगे? जी, बहुत कष्ट है। अब पर्सनल लाइफ के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कष्ट ही कष्ट है, बहुत कष्ट है। अच्छा, ये म्यूजिक में जैसा कि आपने बोला बचपन से आप गा रहे हैं, तो आपकी फैमिली किस तरीके से सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करती है? नहीं, फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि मेरी जड़ ही नहीं मजबूत है कि कोई मुझे सपोर्ट करे। नहीं तो बहुत दिन से गा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो 10% नाम रहती, लेकिन फैमिली जो बैकग्राउंड है वो मेरी मजबूत नहीं है। तो कहीं कहाँ कहाँ से अभी तक आपके गाने कहाँ कहाँ से, कहीं एल्बम वगैरह आपने किया है? नहीं, एल्बम तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये है कि जहाँ काम करता हूँ, लगभग 3-4 स्टूडियो में काम किया इसके पहले, तो जहाँ जहाँ करता हूँ वहाँ वहाँ मन करता है, तो कहते हैं कि सर ये गाना गाना चाहते हैं, गा सकते हैं, तो हाँ गाइए, तो गा देते हैं। लेकिन हम जब यहाँ ए वी प्रोडक्शन हाउस में आए, तो भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही सपोर्ट किया, बोला बाबा ठाकुर ने। जी, बाबा ठाकुर ने बहुत सपोर्ट किया, बोले कि आप बिंदास रहिए, यहाँ काम कीजिए, आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे। तो बस एक विश्वास जमा, इस कंपनी पे विश्वास हुआ, मैंने यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। चलिए, हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे हम कुछ और भी सुनना चाहते हैं, कोई और एक आध गाना जो दर्शकों के लिए हो जाए। जी, मोहब्बत कर गई अखिया ना धड़कन के खबर लागल, मोहब्बत कर गई अखिया ना धड़कन के खबर लागल, ई रूपवा के असर ना हो, अरे प्रीतिया कर गइल पागल, मोहब्बत कर गइल अखिया ना धड़कन के खबर लागल। आप सुनते ज्यादा किसको हैं, क्योंकि सुनने का भी बहुत असर पड़ता है, आप सुनते किसे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर दिल से किसी को मानता हूँ तो पवन भैया है, उनको मैं दिल से गुरु भी मानता हूँ, भले वो कुछ भी, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन उनकी आवाज जो है, जो उनकी गायकी है, मैं उसकी तारीफ मैं क्या, हमसे हो ही नहीं सकता, सब कोई करता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सुर लगाते हैं। और कोई गाना हो जाए, क्योंकि आप जब गा रहे हैं ना, तो मेरा मन कर रहा है बात कम करूं, गाना ज्यादा सुनूं, क्योंकि ऐसे सिंगर बहुत कम मिलते हैं, ऐसे सिंगर मिलते हैं जो पैसे के दम पे चाहते हैं कि स्टार बन जाए, उनके पास टैलेंट नहीं होता है, और उन्हें समझाने पे भी कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत से सिंगर आते होंगे जिन्हें आप गवाते होंगे, उन्हें गाना नहीं आता होगा, तो आपको भी कभी कभी दिक्कत होती होगी? जी, होती है। एक गाना और है जो कि शायद मनोहर भैया का है, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, निरोगा हिंदुस्तानी का गाना है। समय से पहले हो, समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ अब ना मिल पाई,
अरे कुछ अबू ना मिल पाई, राह में निकल चलाए राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। राह में निकल चलाए राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। हमरो खातिर गढ़ले हुई हैं विधना रूप के रानी हो, हमरो खातिर अरे गढ़ले हुई है विधना रूप के रानी हो। सबका से अलगे अलगे होई, अपन प्रेम कहानी हो। मन के मंदिरिया में तोहरी मूरतिया, कैले दीवाना होखे ऐसन सुरतिया। जहिया एक झलक मिल जाई, जिंदगी तहिए सफल हो जाई। राह में निकल चलाए राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। वाकई में आपकी आवाज के अंदर कशिश है, जल्दी मुझे कोई अपनी तरफ लुभा नहीं पाता है आवाज से, लेकिन वाकई में आज मैं खुद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी संदेह बहुत अच्छा गाते हैं, जो जनता जनार्दन है उससे आप अपने लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपको नोट नहीं कर रही, अभी नोटिस नहीं कर रही, उससे क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे कि जो भी देख रहे हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, माँ बाप, चाहे गार्जियन तौर पे जो भी हैं, उन सभी से बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर हो सके तो सपोर्ट करने की कष्ट कीजिए। आप सबका बहुत आभारी रहूँगा, जो कि इस दिल की जो आवाज़ है, जो दर्द है, अगर आप लोग के पास जा रहा है तो आप लोग प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए एक बार। प्लीज़ दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई लोग, जो भी हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका नाम मेरे दिमाग से फॉरगेट हो गया, पहली बार मुलाकात हुई है, आपने अपना नाम क्या बताया था? महेंद्र मनमाना। इनका नाम है महेंद्र मनमाना, और इनकी आवाज़ कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट करिए। मुझे नहीं पता आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत तौर में कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी आवाज़ भोजपुरी में जो नए नए कलाकार हैं उनके पास नहीं है, ऑटो डिले रिवर्ब लगा के नाच के इधर उधर वो हीरो बन जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करें जो कि निसंदेह टैलेंटेड है। इनका पैर देख के आप सपोर्ट मत करिए, इनकी आवाज देख के आप सपोर्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका पैर खराब है, ये दिव्यांग है, ये गरीब है, ये लाचार है तो सपोर्ट करिए, नहीं, ऐसे आप सपोर्ट मत करिए, वो तो फिर एक सिंपथी हो गई। इनकी आवाज, और मैं इनका पैर देख के नहीं कह रहा हूं, इनकी आवाज देख के कह रहा हूं, इनकी आवाज निसंदेह बहुत अच्छी है। खास तौर में जो नए नए कलाकार आ रहे हैं उनसे तो बहुत ही अच्छी है। जाते जाते कोई एक आध गाना और हो जाए भाई, कोई एक आध गाना जो आपके दिल के करीब हो। सुमिरन में मन लाइए, जैसे कामी काम, एक पल बिसरे नहीं निस दिन ठो जा। अंगना दुआर सगरी, अंगना दुआर सगरी, अरे मोहला अटरिया, तोरा बिना निक नहीं लागे रे सवरिया, तोरा बिना निक नहीं लागे रे सवरिया, तोरा बिना निक नहीं। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज़ फिर से बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया है। और आप देख लीजिए, ये AV प्रोडक्शन हाउस में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर इस समय काम कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, जब आपको गंवाने वाला ऐसा इंसान हो तो आप कैसा गाएंगे, आप खुद सोच लीजिए। अगर गुरु अच्छा मिल जाता है तो निसंदेह शिष्य की जो मंजिल होती है वो और भी करीब हो जाती है। तो ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, साथ में गाते भी हैं, गाते बहुत कम है, लेकिन मेरी राय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने चर्चा में टाइम दिया, बहुत बहुत आपको आभार। और हमारा और चर्चा टीम की तरफ से तो यही सुझाव है, आप गाइए, बहुत गाइए, आपकी आवाज़ को लोग बहुत पसंद करेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू।